Good afternoon, students. Myself Professor Uday Patel. Today we study about variation of torque speed curve with supply or applied frequency. हम जो मेनली ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो भी होती है वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर ली थी. टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इस तरह कुछ आपकी दिखती है. ओके, तो अगर उसके अंदर आपका फ्रीक्वेंसी का चेंजेस आते हैं, ओके, तो उस कंडीशन में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पर क्या इफेक्ट होती है, ओके, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे. नाउ नॉर्मली जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है. ओके, जो नॉर्मली आपके हर एक जो भी आपके मशीन्स होते हैं, भले ही वो सिंक्रोनस मोटर हो, भले ही वो इंडक्शन मोटर हो, भले ही वो ट्रांसफार्मर हो, सभी के सभी जो भी आपके मशीन होते हैं, तो वो उसके अंदर आपका क्या होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है. ओके, उसको हम पावर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. अब उसके अंदर आपका मैक्सिमम अलाउबल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कितना होता है, आपका प्लस और माइनस 2% होता है. ओके, अब प्लस और माइनस 2% अगर आप करते हो तो आपका मेनली फ्रीक्वेंसी कितना है तक आपका वेरी हो सकता है या वेरी होना चाहिए, 48 हर्ट्ज टू 52 हर्ट्ज, ये आपका मेनली इतना होना चाहिए. अब देखने वाली बात ये है कि आउट ऑफ कंट्री जो भी आपकी होती है, ओके, लाइक यूएस या यूके या जो भी आप कोई भी कंट्री कंसीडर कर लो, वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 60 हर्ट्ज होती है. अगर इन केस ऐसा होता है कि आप ये जो भी आपके सारे के सारे मशीन्स हैं, ओके, उसको आप 60 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट करवाते हो, तो उस टाइम क्या होगा कि उस टाइम की कंडीशन में आपका जो भी मेनली 60 हर्ट्ज के आप 50 हर्ट्ज का इक्विपमेंट चलाते हो, तो उसके लिए आपका जो भी टर्मिनल वोल्टेज है वो आपको कितना रखना पड़ेगा, जो आपका रेटेड टर्मिनल वोल्टेज है उससे आपको 120% आपको रखना होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो भी मशीन है वो आपका सही से ऑपरेट हो पाएगा. ओके, और उसके कंपेरेटिवली अगर आउट ऑफ कंट्री के जो भी आपके मेनली क्या है कि इक्विपमेंट है उसको अगर आप इंडिया के अंदर लाके उसको ऑपरेट करवाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको उसके टर्मिनल वोल्टेज से टर्मिनल वोल्टेज को 80% आपको डाउन करना पड़ेगा, तो आप उसको इजीली ऑपरेट करवा सकते हो. यानी ये कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. अब नीड ऑफ वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर. ओके, वी हियर वी डिस्कस अबाउट इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो यहाँ पे हमने इंडक्शन मोटर के बारे में लिखा है. ओके, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. यानी कि आपका NS इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है. ओके, यानी सिंक्रोनस स्पीड जितनी इंक्रीज होगी उतना ही आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, जितना फ्रीक्वेंसी डाउन जाएगा उतना ही आपका सिंक्रोनस स्पीड डाउन जाएगा. सो इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द मोटर स्पीड ओवर अ वाइड रेंज बाय यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई सच एज इन इन्वर्टर. द वोल्टेज इज अप्लाइड टू मोटर शुड ऑल्सो बी वेरिएबल सो दैट flux in the magnetic circuit will be not exceed its rated value. ये point काफ़ी ज़्यादा important है यहाँ पे. Okay, sorry. ये point काफ़ी ज़्यादा important है. क्यों? क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि आप voltage के साथ साथ frequency को change नहीं करते, okay, तो उस condition में आपका क्या होगा, magnetic का flux आपका constant नहीं रहेगा. Okay, कहीं कई बार आप V by F ratio के बारे में आपने सुना होगा, तो ये वही है. ओके, कि आपको वोल्टेज जितना आपको इंक्रीज करना होगा उतना ही आपको फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करना होगा, जितना वोल्टेज डिक्रीज करना होगा उतना ही आपको फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करना होगा. इन शॉर्ट, फॉर अ स्मूथ स्पीड कंट्रोल और ओवर अ वाइड रेंज, अ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई इज एसेंशियल. ओके, लास्ट टू पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर टूडेज थियरी. टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ड्रॉ की गई है. ओके, ये जो भी आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया गया है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक विद
फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी साइनोसोइडल सप्लाई, ओके। यहाँ पे ये किसका है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का है, ओके। अब मॉडिफाइड टॉप स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के लिए है, ओके। यानी कि अगर ऐसा होता है कि आपको क्या करना है कि आप जो भी वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो तो उसके साथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी आपकी आ रही है, तो उसके बारे में, तो उसके लिए पर्टिकुलरली जो हम ऐसा बोल रहे हैं, ओके, पर्टिकुलरली तो आपको क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर आपका जो भी वेवफॉर्म मिलता है वो कुछ इस तरह मिलता है डॉटेड लाइन वाला। लेकिन हमने क्या किया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज दिया, तो उसका एक स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, ओके। और उस कंडीशन में टी मैक्सिमम पर भी आपको इजीली और स्मूथली आपको वो आप कंट्रोल उसको करवा सकते हो। ये है इक्विवेलेंट सर्किट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। ये आपके इक्विवेलेंट सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हो R1 जो भी आपका रेजिस्टर है, ओके, वो प्राइमरी का होगा, X1 वो भी प्राइमरी का होगा, E1 आपका प्राइमरी का होगा, XM आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, ओके, R2' आपका सेकेंडरी साइड का है, X2' आपका सेकेंडरी साइड का है, E2' आपका सेकेंडरी साइड का EMF है, R2-1 माइनस ए एस अपन एस, ओके, वो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस का है, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये क्या है कि आर्थ हार्मोनिक के लिए यहाँ पे सर्किट ड्रॉ की गई है, ओके, जो R1 के लिए R1 ही होगा, आपका रेजिस्टर तो आपका चेंज नहीं होगा, ओके। जो भी आपका X1 है वो आपका RX1 में चेंजेस हो जाएगा, X2 है वो RX2 के डैश के अंदर आपका चेंजेस हो गया, XM है वो RXM के अंदर आपका चेंज हो गया, जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ओके, उसके अंदर जो भी आपका स्लिप है आपका SR के अंदर चेंजेस हो रही है, ओके। कहने की बात ये है कि आपका जो हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करते हो, तो उसके कंडीशन में आपका क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है या फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये वाला, मीनिंग स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस फॉर एयर गैप फ्लक्स, ओके। यहाँ पे टी मैक्सिमम है, यहाँ पे n बाई n सिंक्रोनस स्पीड है, ओके, कॉन्स्टेंट एयर गैप आपका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, 0.2, 0.4 ये आपकी वैल्यूज हैं, ओके, और यहाँ पे इस तरह के आपके वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन किए गए हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये आपका वेवफॉर्म मिलता है, ये आपका मीडिया डायग्राम मिलता है, ओके। और ये पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ फॉर एयर गैप फ्लक्स के लिए जो भी आपका टॉर्क है वो आपको इस इक्वेशन पे से मिलता है, ओके। अब मेनली बात है कि अगर आपका जो भी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, ओके, अगर वो काफ़ी कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब अगर आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही कम है और उसका वेरिएशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका स्टेटर का रेजिस्टेंस का जो भी लॉसेस होते हैं, स्टेटर रेजिस्टेंस लॉसेस ये एज वेल एज वोल्टेज ड्रॉप जो भी आपका होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूज पे होती है, ओके, और उस कंडीशन में अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है एज वेल एज आपका रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होती है, ओके, वो आपकी स्टेटर रेजिस्टेंस जो भी होता है, स्टेटर रेजिस्टेंस लॉस होता है, ओके, उस कंडीशन में आपका जो भी मेनली जो चेंजेस होंगे, ओके, तो उस कंडीशन में आपका उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसकी वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा नहीं होता, ओके। सो इसके लिए ये इम्प्रूव्ड आपका क्या है, ये आपका मेनली कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि आपकी मेनली यहाँ पे इतने पोर्शन तक आपको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट टॉर्क रीजन आपको रखना पड़ेगा, यानी कि ई एंड एफ जो भी है, ओके, जो भी दोनों EMF है एज वेल एज फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों को रेशियो को आपको कांस्टेंट रखना होगा, ओके, जिससे आपको क्या मिल सके, स्मूथ आपका ऑपरेशन मिल सके आपके मेनली मशीन के लिए, ओके। सो एज वेल एज कॉन्स्टेंट पावर रीजन के लिए आपका क्या है कि वेरिएबल E/F रेशियो आप रख सकते हो, ओके, जिसके अंदर आपका टॉर्क क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आप वो देख सकते हो। यानी कि अगर आपको टॉर्क कॉन्स्टेंट रखना है तो आपको कंपल्सरी क्या रखना पड़ेगा, आपको E/F रेशियो कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा।
वोल्टेज जितना आप इंक्रीज करते हो उतना ही आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना होगा, तो ई बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट हो गया। सो उसकी वजह से आपका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, स्टेटर एंड रोटर के बीच में एयर गैप फ्लक्स जो भी आप बोलते हो, वो दोनों आपके क्या होंगे, वो आपके कॉन्स्टेंट रहेंगे। एज वेल एज उसकी वजह से आपका क्या होगा कि जो भी आपका टॉर्क होगा वो आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट मिलेगा। और अगर आप वेरिएबल रखते हो तो उस कंडीशन में जो भी आपका टॉर्क है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अगर आपका होता है तो आपका क्या होगा, अगर आपका वेरिएबल वोल्टेज होता है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है। ओके, थैंक यू सो मच।